28 जून 2023 का दिन और 1975 की बात करेंगे भारत की। देखिए 25 जून को लगी थी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी और वो लगाई गई थी देश में। राजेश आज है 28 जून, आज के दिन क्या हुआ, प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई थी, प्रेस पर भी इमरजेंसी का असर आ गया था, सेंसर होने लगी थी खबरें। वो क्यों राजेश, क्योंकि सरकार ने उस समय पे जो राजनीतिक विरोधी थे या बाकी सारी चीज़ें थी उन्हें उठा उठा के फिर अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की थी, विरोध हुआ, अखबारें उसको छाप रही, तब अखबारों का ज़माना होता था, बाकी जो टीवी या रेडियो था वो सरकारी नियंत्रण में था तो उतनी बात नहीं थी, लेकिन अखबारें खास करके और जो मैगजीन्स होती थी, तो फिर ये कड़ी सेंसरशिप लागू हुई थी और ये ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये पहली बार वैसा हुआ था। तो जी आज का दिन था ये 28 जून का। 1914 की बात करते हैं राजेश जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली बार एक कंसेप्ट आई वर्ल्ड वॉर, जब लगभग पूरी दुनिया किसी न किसी देश से लड़ रही थी, लगभग हर देश युद्ध में था। आज के दिन उसकी शुरुआत हुई थी राजेश, घटनाक्रम की हुआ क्या था, ऑस्ट्रिया के और साथ में आप ये कह लीजिए कि उस समय पे वो क्राउन प्रिंस थे आप स्वीडन के भी जी, तो इनका नाम था फ्रेंच फर्डिनांड साहब, आर्क ड्यूक, मतलब जो बाद में राजा बनने वाले थे, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। राजेश अपनी पत्नी सोफी के साथ गए हुए थे घूमने, कहाँ गए थे, बोस्निया में, बोस्निया की राजधानी सराजेवो में थे ये, सड़क पे जा रहे थे तो एक युवक आया और गोली मार दी दोनों को और दोनों की इनकी डेथ हो गई राजेश मौके पर ही। अच्छा ये जो युवक था ये सर्बिया मूल का था और इसका नाम था मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, गैब्रिलो प्रिंसिप, ये उस व्यक्ति का नाम था, फ्रेंटिक था, उसने गोली मार दी और बस फिर उसके बाद राजेश हुआ कि ऑस्ट्रिया को लगा बाद में उस पर कुछ शर्तें आयद की गई इस पर सर्बिया पे, क्योंकि सर्बियन मूल का था कि जी आप ऐसे सर्बिया पे, जर्मनी कूद पड़ा इनके फेवर में, ऑस्ट्रिया के फेवर में, कि गलत हुआ है, युद्ध की घोषणा हो गई, रशिया ने कहा सर्बिया को हाथ मत लगाना नहीं तो हम आ जाएंगे और बस गड्डम गड दोनों तरफ से बातें होने लगी और फिर ये युद्ध चला। वैसे आज ही के दिन 1919 में राजेश ये फ्रांस में ये युद्ध खत्म भी हो गया था, समझौता जो हुआ था है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1950 कोरियन वॉर, फर्स्ट कोरियन वॉर राजेश, आज की डेट में देखिए हम जानते हैं कि साउथ कोरिया जो है बड़ा डेवलप्ड कंट्री है और नॉर्थ कोरिया की हालत वो उन साहब की वजह से है ना, क्या खाने खाने को मोहताज है लेकिन, और वहाँ पे नियंत्रण कैसे। आज के दिन राजेश पता क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की राजधानी पे सियोल पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, कब्जा कर लिया था राजेश, 25 जून को दरअसल हमला कर दिया था कोरिया पे, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे, और उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या था, टैंक। टैंक तब एक नई चीज़ थी और एक मुफीद हथियार माना जाता था, है ना, गोले बरसाते हुए घुस रहे थे अंदर। साउथ कोरिया ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया क्यों, क्योंकि एक तो उसके पास एंटी टैंक जो होते हैं असला होता है वो ज़्यादा था नहीं, थोड़ा बहुत था तो उससे वो फ़र्क पड़ा नहीं ज़्यादा, और टैंक तो एक भी नहीं थे इनके पास और बस ये बिना रुके दुके सीधे इन्होंने कोरिया पे कब्जा कर लिया आके। अब अमेरिका को चिंता हुई क्यों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो था वो कम्युनिस्ट था और तब थे फ्रैंकलिन, हाँ ये प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन उस समय पे अमेरिका के, उन्होंने बोला कि नहीं ये कम्युनिस्ट को रोकना होगा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे अपनी एयरफोर्स भी उतारी और साथ में पैदल सेना भी और साथ ही एक फ्लीट भेज दिया फार्मोसा की खाड़ी में जी, तो और उसके साथ ही साथ ही यूएन में भी ये मामला उठ गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे चार्टर 84 अभी भी उसका जिक्र होता है वो लाया गया, वो इसलिए था कि यूएन ने कहा कि यस साउथ कोरिया पर हमला गलत हुआ है और जहाँ पे जो मित्र देश उसकी तरफ से लड़ना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट वो यूएन के झंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वही हुआ, भागना पड़ा था नॉर्थ कोरिया को, ये राइवलरी तब की चली है राजेश दोनों देशों के बीच में। तो ये जी आज के दिन कोरिया पे कब्जा हो गया था। देखिए